स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा भारत में अब तक सामुदायिक स्तर पर संक्रमण नहीं। देश में 170 जिलों को हॉटस्पॉट और 207 को गैर 10,477। अब तक 414 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय मंत्री ने कहा भारत में हालात बाकी देशों के मुकाबले बेहतर। भारत में कोविड-19 से जारी जंग में WHO की पोलियो निगरानी टीम और अन्य फील्ड कर्मचारियों का मिला साथ। कोविड-19 की वजह से प्रभावित करदाताओं को सरकार से मिली तत्काल राहत। आयकर विभाग ने एक सप्ताह में जारी किए 4,250 करोड़ रुपए के IT रिफंड। इस हफ्ते और भी रिफंड जारी किए जाने की उम्मीद। विदेश मंत्रालय ने की USCIRF की भारत में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर भ्रामक रिपोर्ट फैलाने की निंदा। कहा आयोग को वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में धार्मिक रंग जोड़ना करना चाहिए बंद। गुजरात अस्पतालों में कोई धर्म आधारित अलगाव नहीं। WHO ने अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा फंडिंग रोकने के निर्णय पर जताया खेद। अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO पर शुरुआती समय में सही जानकारी ना देने और भयानक गलती का लगाया आरोप। दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा 20 लाख के पार। 1,34,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और सबसे पहले इस वक्त नजर डाल लेते हैं कि भारत में कोरोना वायरस के क्या आंकड़े हैं। भारत में इस वक्त कोरोना वायरस के कुल मामलों की बात करें तो संख्या बढ़कर 12,380 हो गई है। इस वक्त देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 10,477 है। कोरोना के चलते अब तक 414 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1488 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो महत्वपूर्ण बातें रही है, आइए हम उस पर डाल लेते हैं एक नजर। संक्रमण की अधिकता वाले 170 हॉटस्पॉट जिले चिन्हित किए गए हैं। ये वो जिले हैं, हॉटस्पॉट हैं, जिनमें किसी क्षेत्र में संक्रमण की दर अधिक है या मरीजों की वृद्धि दर दोगुना तक पाई गई है। संक्रमण के प्रभाव वाले 207 जिले संभावित हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ये जिले हॉटस्पॉट तो नहीं है लेकिन संक्रमण की वृद्धि दर यहां ज्यादा है और सर्वाधिक संक्रमण प्रभावित इलाकों में मरीजों की शीघ्र पहचान करने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के अधिकारी घर घर जाकर खांसी, बुखार और सांस की तकलीफ वाले मरीजों की पहचान करेंगे। अधिकारी ये बात सुनिश्चित करेंगे कि इनमें कोरोना वायरस का संक्रमण तो नहीं है। गैर हॉटस्पॉट 207 जिलों में पूरा प्रयास होगा कि ये जिले हॉटस्पॉट की श्रेणी में शामिल ना होने पाएं। जिलों में स्थानीय स्तर पर भी संक्रमण को रोकने के लिए ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां कम से कम 15 संक्रमित मरीज पाए गए हों। इन क्षेत्रों को क्लस्टर के रूप में चिन्हित कर इनमें संक्रमण रोधी अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है, एक बार फिर इस बात को स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है। संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और ये एक बेहद अच्छा संकेत है। देश में अभी मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 11.4% हो गई है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राज्य और जिला स्तरीय अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें की जा रही हैं और गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देश में हालात नियंत्रण में हैं और भारत बाकी दुनिया से बेहतर स्थिति में है। आवर इंसिडेंस इज पर मिलियन द लोएस्ट इन द होल वर्ल्ड। इट रेंजेस बिटवीन 4 to 8। At different times it has ranged like that, although for many of these countries it is in 2000s, 2000, 3000, 1000, like that. Right now we are
क्वाइट वेल प्लेस्ड इन द सेंस दैट वी नो अवर एनिमी, वी ऑल्सो नो वेयर अवर एनिमी इज एंड द टॉक अबाउट दीज हॉटस्पॉट्स इज I think I must congratulate our surveillance people, our IDSP people, our WHO people, all those who are involved in this, and particularly all our state governments, that we have been able to pinpoint where the virus is right now. भारत में पोलियो के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले उपायों को अब कोरोना वायरस से जारी जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संगठन के राष्ट्रीय पोलियो सर्विलांस नेटवर्क और अन्य फील्ड स्टाफ को कोरोना से जंग में व्यवस्थित तरीके से तैनात किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, भारत और WHO साथ में अपनी योग्यता और क्षमता का नमूना दिखा चुके हैं। हम पोलियो से छुटकारा पाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने कहा कि फील्ड में मौजूद IDSP, राज्य के रैपिड रिस्पॉन्स दल और WHO सभी कोरोना से जंग में योद्धा हैं। संयुक्त प्रयासों के साथ हम कोरोना को हरा सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने भी WHO और बाकी स्टाफ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट ने पोलियो को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी और समय रहते महत्वपूर्ण और सही डाटा उपलब्ध कराया था, जिनसे सही नीतियां बनाने में सफलता मिली थी। उन्होंने कहा कि यह समय अपने पूरे अनुभव, ज्ञान और योग्यताओं को इस्तेमाल करने का है, जिससे कोरोना वायरस महामारी से चल रही जंग को जीता जा सके। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में धार्मिक आधार पर आलोचनात्मक टिप्पणी सही नहीं है। उन्होंने ये बात भारत पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग USCIRF द्वारा एक ट्वीट के बाद कही। उन्होंने साफ किया कि USCIRF गलत सूचनाएं प्रसारित कर रहा है कि COVID-19 के प्रसार से निपटने के लिए मेडिकल किट में भेदभाव किया जा रहा है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को धार्मिक रंग देना बंद किया जाए। गुजरात सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि धर्म के आधार पर अस्पतालों में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। और अब बात फर्जी खबरों पर लगाम लगाने की। कोरोना के संकट के चलते देश की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। इस निर्णय के बाद मीडिया के कुछ हलकों में यह फर्जी खबर फैलने लगी कि पीएम मोदी ने यह फैसला लेते समय 21 सदस्यों वाली वैज्ञानिकों की कोविड टास्क फोर्स से चर्चा किए बिना ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। PIB फैक्ट चेक की पड़ताल में यह खबर पूरी तरह से गलत पाई गई है। ICMR ने भी ट्वीट कर इस फर्जी खबर का खंडन किया है। ICMR ने कहा कि इस सिलसिले में टास्क फोर्स ने पिछले महीने 14 बार पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उसके बाद लॉकडाउन से जुड़े सभी फैसले टास्क फोर्स के सभी सदस्यों के साथ लेकर किए गए हैं। पीएम मोदी ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कहा था कि उन्होंने सभी एक्सपर्ट्स के साथ बैठक करने के बाद और उनसे सलाह लेने के बाद फैसला लिया कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाएगा। ऐसे में साफ है कि कुछ मीडिया में चलाई जा रही यह खबर पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। COVID-19 संकट के बीच लाखों आयकरदाताओं के लिए राहत की एक बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया है कि आयकर विभाग ने एक सप्ताह में ही 10,20,000 करदाताओं को कुल मिलाकर 4,250 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि वे 5,00,000 रुपए तक के कर रिफंड को जल्द से जल्द जारी करेगा। इस सप्ताह करीब 1.75 लाख और करदाताओं को रिफंड भेजा जा रहा है। ये रिफंड 5 से 7 कार्य दिवसों में आयकरदाताओं के खातों में डाल दिया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में कुल 1.84 लाख करोड़ रुपए के 2.50 करोड़ रिफंड जारी किए गए थे। आयकर विभाग ने कहा है कि करीब 1.74 लाख मामलों में करदाताओं को भेजे गए ईमेल पर उनके जवाब का इंतजार है। उनसे उनके रिफंड का पुराने बकाया कर मांग के साथ समाधान किए जाने के बारे में पूछा गया है। इसके लिए रिमाइंडर भी भेजा गया है, जिसमें 7 दिन के भीतर उनसे जवाब देने के लिए कहा गया है, ताकि जल्द ही रिफंड किया जा सके।
और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर मिलने लगा है। ईटानगर सहित पापुमपारे जिले में 300 से ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना के तहत सिलेंडर मिल चुका है और उसका भुगतान उनके बैंक खाते में भी हो चुका है। इस योजना के तहत राज्य में करीब 44,000 से ज्यादा उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं और उनके खाते में एलपीजी संबंधी भुगतान भेजा जा रहा है। पहले में तो मोदी जी का तरफ से सिलेंडर का कार्ड बनाने का ऑर्डर आया था, तो उसका बनाया था। फिर कल परसों मैंने ये क्या सिलेंडर लेने के लिए बुकिंग करने के लिए गया तो कहा गया था ना ये फ्री में मिलेगा, तो हमको ये महीना में फ्री में सिलेंडर मिला है। और उसके लिए तो अभी लॉकडाउन के लिए मतलब थोड़ा आदमी हम लोग को मतलब परेशान होता है, तो उसके लिए फ्री में इस ये महीना को मिला है तो थोड़ा अच्छा लगा है। तो किसी को भी जिसका पैसा हो ना हो लेकिन फ्री में मिला है, सरकार का तरफ से मदद मिला है, उसके लिए सरकार को मतलब धन्यवाद देता है। फ्री सिलेंडर्स का तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशियरीज है अरुणाचल में, पूरे इंडिया में दिए जा रहे हैं, तो अरुणाचल में अराउंड अरुणाचल में 44,660 बेनिफिशियरीज है इन टोटल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। तो सारे बेनिफिशियरीज को फ्री सिलेंडर्स दिया जाएगा। ये फ्री सिलेंडर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है और आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मुताबिक अब क्या होता है कि फ्री सिलेंडर्स का पैसा जो है, अमाउंट जो है एक सिलेंडर रिफिल का, पहला सिलेंडर रिफिल का पैसा उनके गरीब लोगों के जो भी उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज है उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और ये शुरू हो चुका है। और जयपुर में सिंगानर इलाके में सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से मास्क बनाने का काम जोरों पर चल रहा है ताकि कोरोना से लड़ाई किसी भी तरह से कमजोर ना पड़े और इसकी सप्लाई में कमी ना हो। यहां 50,000 से ज्यादा मास्क बनाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों के अलावा पुलिस कर्मियों को निःशुल्क दिए जा रहे हैं। और कोरोना वायरस से जंग जीतने में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आम लोगों की मदद के लिए झांसी में पुलिस की महिला कांस्टेबल मास्क बना रही हैं। हर दिन करीब 1,000 मास्क ये महिला कांस्टेबल बनाती हैं। ये मास्क गरीब और जरूरतमंद और पुलिस के लोगों को दिया जाता है। और कोरोना वायरस से जंग लड़ने की जज्बा अब बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी दिख रहा है। बच्चे भी संकट की स्थिति में मानवता व कल्याण की भावना का परिचय दे रहे हैं। मुंगेर के एक बाल कलाकार प्रांजलि राज ने पेंटिंग प्रतियोगिता के राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित पुरस्कार की राशि में से 2100 रूपये का अंशदान प्रधानमंत्री के एफ फंड में देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में देश के प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करने का प्रयास किया है। प्रांजलि राज 5वीं क्लास में पढ़ते हैं जिससे पिछले वर्ष लघु बाल फिल्म प्रतियोगिता 8,000 रुपए का पुरस्कार मिला था। और अब बात दिल्ली से सटे गाजियाबाद की। कोरोना के खिलाफ जंग थोड़ी मुश्किल जरूर है लेकिन इसके खिलाफ लड़ाई अगर सामूहिक हो तो इसे हराना बिल्कुल आसान होगा। आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबों की मदद के आह्वान के बाद जिले की कई संस्थाओं ने जरूरतमंदों की मदद का बीड़ा उठाया है। गरीबों की मदद के लिए ये संस्थाएं जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। नौनिहालों का भविष्य सवारता गाजियाबाद का शिक्षा का ये मंदिर इन दिनों नई भूमिका में है। लॉकडाउन के समय स्कूलों के अलावा जिले में ऐसे कई स्वयंसेवी हैं जो जिला प्रशासन के सहयोग से गरीब मजदूर दीन दुखियों और बेघरों का बखूबी ध्यान रख रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के बाद से प्रवासी मजदूरों और बेघर लोगों के सामने खाने पीने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए जहां एक ओर सरकार ने आर्थिक राहत समेत कई बड़े कदम उठाए हैं तो वहीं समाज की ओर से भी मदद के हाथ बढ़े हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर स्कूलों में पहले ही छुट्टी हो चुकी थी और लॉकडाउन के बाद पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए गाजियाबाद के कई स्कूलों ने अपने दरवाजे प्रवासी मजदूरों और बेसहारा लोगों के लिए खोल दिए और जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर हजारों जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। प्रवासी ऐसे दैनिक मजदूर जिनको भोजन इत्यादि की समस्या है उनकी खाने की व्यवस्था के लिए फूड पैकेट लगातार हम लोग तैयार कर रहे हैं और यह व्यवस्था 26 मार्च से हमारी निरंतर जारी है। एनजीओ का और समाज सेवी संस्थाओं का लगातार सहयोग मिला है, अब भी सहयोग मिल रहा है। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कम्युनिटी किचन में तब्दील हुए इस स्कूल की कहानी बड़ी दिलचस्प है।
बच्चों की छुट्टी तो हो ही चुकी थी, लेकिन अध्यापक के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ भी आ रहे थे। इसी बीच लॉकडाउन लागू हो गया और मजदूरों के भोजन का मसला खड़ा हो गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्कूल प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। कर रहे हैं और इसलिए कि भाई लॉकडाउन में जो है हम लोग जो है जरूरतमंद को जो है भरपेट भोजन सुबह शाम करवा सकें। सेवा भारती संस्था के साथ हम लोग जुड़कर लगभग 24 मार्च से हमने शुरू किया ये, और लगभग हम 40,000 पैकेट्स बांट चुके हैं हमारे लोकल्स में, और यहाँ की जितने भी लोकल्स हैं वो आकर यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। कम्युनिटी किचन में कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यही वजह है कि भोजन को पैकेट में पैक कर घर घर पहुंचाया जाता है। मतलब देके जाते हैं हमें खाना, ये बात नहीं है, हम जब से बोले हमको देके जाते हैं खाना। हमारे दो बेटा बुढ़िया है, चार गो बच्चे हैं, मियां भी है, हमारे को खाना मिलता है, दोनों टाइम मिलता है खाना, मुझे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है जो 3 मई को खत्म होगा। सरकार के साथ समाज के संपन्न लोग भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे तो कोरोना के खिलाफ जंग आसानी से जीता जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऐसे लोगों की मदद के लिए समाज से आगे आने का आह्वान किया है। बहरहाल जो पहले से इस काम को अंजाम दे रहे हैं उनके हाथ का और मजबूत करना वक्त की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यकीनन ये भी है कोरोना वॉरियर्स जो सभी के लिए एक नजीर पेश कर रहे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संगठन को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक लगाने संबंधी फैसले पर दुख जताया है। ट्रंप ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर WHO की भूमिका की आलोचना की थी। इस बीच दुनिया भर में कोरोना के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 1,34,000 के पार चला गया है। वहीं 20 लाख से अधिक लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 5 लाख लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से WHO की फंडिंग अस्थायी रूप से रोकने के निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा है। एसोसिएशन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को खतरनाक बताया है जिसमें उन्होंने WHO की फंडिंग रोकने का आदेश दिया था। ट्रंप ने WHO द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के तौर तरीकों की कड़ी आलोचना की थी। ट्रंप ने कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के प्रसार को छिपाते हुए चीन की तरफदारी करने में लगा रहा। कोरोना वायरस के बारे में WHO दुनिया को आगाह करने की जाए शांत रहा। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिस हैरिस ने कहा कि यह कोविड-19 को हराने की दिशा में सही कदम नहीं है और राष्ट्रपति को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस को संक्रमण को रोकने के लिए चल रही पाबंदियां अब धीरे धीरे खत्म की जाएंगी। हालांकि देश में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कम से कम 3 मई तक लागू रहेंगे। इसके साथ ही मर्केल ने सभी नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने रहने की अपील की है। अगले हफ्ते बंद दुकानें भी खोल दी जाएंगी। हालांकि 800 मीटर के फासले पर दुकानों को खोला जाएगा। सभी स्कूल 4 मई से खुलने शुरू होंगे। मर्केल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की मंदी के दौर में प्रवेश करने का खतरा है, लिहाजा ये कदम उठाए जाने की जरूरत है। और उधर बांग्लादेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 219 नए मामले सामने आए हैं जो एक दिन में अब तक का कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा देश में 24 घंटों के अंदर एक डॉक्टर समेत 4 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही देश में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है और संक्रमित मामलों की संख्या 1231 हो चुकी है। ढाका के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अब तक 49 लोगों का इलाज हो चुका है। देश में सबसे ज्यादा नए मामले ढाका, नारायणगंज, गाजीपुर और मयमनसिंह से सामने आए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सिलहट में एक चिकित्सक की मृत्यु पर दुख जताया है और कहा है कि डॉक्टर मोइनुद्दीन के परिवार की सभी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। और मालदीव्स में राजधानी माले में कोविड संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि होने के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह ने देश के लोगों से अपने घरों में ही रहने की भावुक अपील की है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति सोलह ने ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ देने और धैर्य रखने की अपील की है। माले में एक व्यक्ति के
में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसने हाल ही में कोई यात्रा नहीं की है। इसके बाद से ही प्रशासन ने माले में 24 घंटों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति सोलह ने कहा कि संक्रमण कहां से आया इसकी जांच हो रही है। और G20 देशों ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर दुनिया के सबसे गरीब देशों से फिलहाल कर्ज वसूली रोकने का फैसला लिया है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के बाद कहा कि हम गरीब देशों से कर्ज भुगतान को कुछ समय के लिए लंबित करने का समर्थन करते हैं। विश्व बैंक और 20 यूरोपीय व अफ्रीकी देशों ने G20 देशों से इस मुद्दे पर संयुक्त अपील की थी। और विश्व बैंक अध्यक्ष डेविड मलपास और IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की G20 समूह द्वारा गरीब देशों के आधिकारिक विपक्षीय ऋण के पुनर्भुगतान को निलंबित करने के निर्णय का स्वागत किया है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि ये तत्परता से उठाया गया अहम कदम है, जिससे लाखों गरीब और कमजोर लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक और IMF G20 देशों के निर्णय का समर्थन करते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए तेजी से काम करेगा। और रियो डी जेनेरियो का मशहूर क्राइस्ट द रेडीमर बुधवार को हरे रंग से जगमगा गया। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सैन्य कर्मियों के सम्मान में ऐसा किया गया। समारोह के लिए यहां सैनिक मौजूद थे, जो दुनिया भर में सशस्त्र बलों के कानून व्यवस्था बनाए रखने और COVID-19 के मरीजों के इलाज में चिकित्सा कर्मियों की मदद के लिए आगे आए हैं। ब्राजील में लगभग 1757 कोरोना के कारण मौत हुई है, जबकि 28,600 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। और आइए आपको बताते हैं कि कैसे लॉकडाउन के दौरान तंबाकू को सुरक्षित रूप से छोड़ सकते हैं आप। जी हां, ये बता रहे हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। टबैको का इस्तेमाल, चाहे वो टबैको को मुंह से लेने का हो या सिगरेट से लेने का हो, नुकसान ही है। कई टाइप के कैंसर्स हैं जो इससे हो सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी इससे बढ़ जाती है। क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड है तो तंबाकू के पदार्थ उपलब्ध नहीं है बाजार में। ये भी है कि हम में से कई लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो सोच रहे होंगे कि घर पे अगर तंबाकू लेंगे, सिगरेट धूम्रपान करेंगे, तो इससे जो घर के परिवार है उनमें भी सिगरेट का धुआं पहुंच जाएगा, तो हम लोग नहीं लेना चाहते होंगे। हम में से कुछ लोग जो है चिंतित होंगे कि फेफड़ों का क्या होगा, ये बंद करना अच्छा समय है। तो इन सारी चीज़ों में जब हम बंद करने की सोचते हैं तो कुछ तकलीफें होती हैं, कुछ शारीरिक तौर पर और कुछ मानसिक तौर पर। हमें चिड़चिड़ापन होगा, हमें सिगरेट या तंबाकू लेने की बहुत तीव्र इच्छा या तलब जिसको कहते हैं वो होगा। हमें नींद बहुत आएगी, उदासीनता रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। पर जब ये तलब उठती है तब हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, किसी और कार्य में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर सकते हैं। टीवी देखें, म्यूजिक सुने, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, परिवार के साथ समय बिताएं, जैसे गार्डनिंग हो, कोई किताब पढ़ना हो, नॉवेल पढ़ना हो, उसमें अपने आप को बिजी रखें। कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध है इसके लिए, जिसको कहा जाता है निकोटीन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स या निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसका भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे निकोटीन गम, निकोटीन पैच, जिसमें निकोटीन जिसके वजह से हमें तलब लगती है वो अंदर जाती है, बट धुएं से जो बाकी घातक पदार्थ हैं वो अंदर नहीं जाते हैं। कैंडी, टॉफी, मिश्री, इलायची, ये आप चबाते रहें तभी भी आपको सिगरेट या तंबाकू लेने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि ये एक लॉकडाउन जो है ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, ये एक मौका है आपके लिए कि आप इस आदत से छुटकारा पाएं। इस टाइम क्विट स्मोकिंग, क्विट यूज ऑफ टोबैको, और इससे आप जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आप एक हेल्दियर इंसान बन के निकलेंगे। और इस महामारी के वक्त ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति हमारे सम्मान को और बढ़ा देती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें इंसानियत को जिंदा रखते हुए एम्स की ये दो नर्सें अपनी गोदी में एक मां की भांति इस बच्ची की देखभाल कर रही है। इस नवजात बच्ची की मां कोरोना संक्रमित है,
इसलिए नर्सेस इस बच्ची को दूध पिला रही हैं, इसका ख्याल रख रही हैं। स्वास्थ्य कर्मी इस वक्त बिना रुके बिना थके अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार इलाज में जुटे हैं। यकीनन ऐसी तस्वीरें मानवता पर हमारे विश्वास को और मजबूत कर देती हैं। यही वो जज्बा है, यही वो भाव है जो हमें इस महामारी से निपटने के लिए एक नए जोश से भर देते हैं। तो सकारात्मकता से भरे रहें, संयम रखें, सतर्क रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। सवा सौ करोड़ से ज्यादा आबादी का देश तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से, बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। We shouldn't mistake this lockdown for a holiday. The least we can do to honor these brave doctors, nurses, and others fighting this war is to follow their instructions. Save yourself, the community, our country, and the whole world from this virus. सोशल डिस्टेंसिंग को तुम अपनाओ, कोविड 19 से जान न गवाओ। इफ यू आर स्टेपिंग आउट टू बाय ग्रोसरी, मेक श्योर दैट यू आर एट लीस्ट एट अ 6 फीट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। डू नॉट टच योर फेस, कम बैक, वॉश योर हैंड्स फॉर एट लीस्ट 20 सेकंड्स, सैनिटाइज एवरीथिंग दैट यू हैव टच्ड। इफ यू आर अ राइटी, यूज योर लेफ्ट हैंड टू ओपन ऑल द डोर्स एंड टर्न नॉब्स। स्टे पॉजिटिव, स्टे फिट, स्टे एट होम। इस कठिन वक्त पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स का, सारे डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पुलिस फोर्स का और सारे कर्मचारियों का जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचा रहे हैं। आप सभी लोग उनका सहयोग दें, हमारी सरकार का सहयोग दें और प्लीज अपने घर पर रहें। बुलेटिन में हम आपको कोरोना से जुड़ी सभी अहम जानकारियां देंगे। इसके अलावा भी आपको देश और दुनिया से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आप अपने और दूसरों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। ए वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू।